पिछले लेक्चर में हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से थे वो देखो। अपना जो पहला क्वेश्चन था वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन विद सूटेबल रीजन। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, क्यों उसको सूटेबल रीजन के द्वारा एक्सप्लेन करना। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन विद सूटेबल रीजन। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं ये प्लस वन और प्लस टू का बेसिक कंसेप्ट है, तो ये ध्यान से आना चाहिए। ये हमने पिछले लेक्चर में कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज हम अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। अगर मैजिक नंबर की बात करो तो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग हम सेल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैजिक नंबर का यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन का वो है अकॉर्डिंग टू सेल, और सेल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बाय अप्लाइंग मैजिक रूल। मैजिक रूल का यूज करते हुए हमें गिवन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है, जो पिछली छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वो कर सकते हो। अब जो दूसरा कंसेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन का वो है बाय सब सेल। पहले तो क्या था, सेल, सेल के अकॉर्डिंग एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करना बाय यूजिंग मैजिक नंबर। अब जो दूसरा कंसेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन का वो है सब सेल का। सब सेल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले यहाँ पे एक रूल आते हैं अप अबाउ प्रिंसिपल, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पीरियोडिक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं अप अबाउ प्रिंसिपल की। अप अबाउ प्रिंसिपल सब सेल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, सेल और सब सेल के बारे में देखो किस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। पहले अपने चले फर्स्ट सेल, पहला सेल लेके चले। पहले सेल में सब सेल की बात करें तो यहाँ पे केवल एक सब सेल होगा एस, पीछे पर आपका सेल सब सेल ब्लॉक्स। अपने पास चार सब सेल हैं, एस एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल। ये पीछे पढ़ लिया था, इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P। ठीक है, ये देखो 1S की बात करें तो यहाँ पे सेल नंबर तो क्या हो गया 1, सेल नंबर हो गया 1। 1S में 1S के अंदर सेल तो है फर्स्ट सेल अपने पास बच जाएंगे और S क्या हो गया सब सेल। ओके, 1S का मतलब क्या है, सेल नंबर फर्स्ट और सब सेल कौन सा S। 2S और 2P की बात करें, 2S एंड 2P इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल नंबर कौन से सेकंड, और भाई यहाँ पे कौन कौन से सब सेल प्रेजेंट हैं, एस और पी दो सब सेल प्रेजेंट हैं। इसी तरह यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 3S, 3P और 3D की। तो इन तीनों के अंदर जो सेल नंबर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड, तीसरा सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। और भाई सब सेल कौन कौन से हैं, यहाँ पे तीन सब सेल हैं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेल की, ये अपना फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल ये अपना फर्स्ट सेल था, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल,
ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल और भाई सिक्स्थ सेल एंड सेवन्थ सेल, ये दो ही सेल है, ठीक है। पहले सेल में केवल एक सब सेल है एस, सेकेंड सेल में दो सब सेल है एस और बी, बी सब सेल में या फिर थर्ड सेल में तीन सब सेल होंगे एस पी एंड डी, तीन सब सेल चार प्रोजेक्ट है। फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में चार सब सेल अपने पास प्रेजेंट है एस सब सेल, बी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो अपना पांचवा सेल होगा फिफ्थ सेल होगा उसमें चार सब सेल है एस पी डी एफ, ओके। सिक्स्थ सेल में, सिक्स्थ सेल में तीन सब सेल है एस सब सेल, बी सब सेल और भाई डी सब सेल, ये भी है ना और ये डी हो गया, ठीक है। सातवें सेल में, सेवन्थ सेल में दो सब सेल हैं एस और पी, समझ आ गया। तो भाई वन एस का मतलब क्या है, पहला सेल एक सब सेल, एक सब सेल कौन सा एस। टू एस का मतलब सेकंड सेल प्रेजेंट है सब सेल कौन सा एस, टू पी मीन्स सेकंड सेल सब सेल कौन सा पी। थ्री एस की बात करें, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, तो इन तीनों के अंदर थर्ड सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे तीन सब सेल है एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल। फोर एस फोर बी फोर डी फोर एफ में सेल नंबर कौन सा हो गया फोर्थ, चौथा सेल यहाँ पे प्रेजेंट है और वही सब सेल कौन सा है एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल कर लोगे तो यहाँ पे सेल और सब सेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस रूल को डिफाइन करा। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस टाइप से एंटर करते हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो जब किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करो तो कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर करेगा वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, ध्यान देना। मान लो कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी सोडियम है, सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करता है जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम हो, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी लेवल किसके है, वन एस का, फिर टू एस का, फिर टू पी का, तो देखो किस टाइप से होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो वन एस में आएगा, ध्यान देना। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, वन एस में, वन एस में एंटर करा। वन एस में एंटर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टू एस में एंटर करेगा, उसके बाद भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा टू पी थ्री एस में एंटर करेगा, उसके बाद भाई थ्री पी फोर एस में एंटर करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स थ्री डी फोर एस फाइव एस इसमें एंटर करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फोर डी फाइव पी सिक्स एस इसमें एंटर करता है, उसके बाद भाई जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो फोर एफ फाइव डी सिक्स पी और सेवन एस में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फाइव एफ सिक्स डी और सेवन पी इसमें एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। समझा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा वो 1s ऑर्बिटल में एंटर करेगा क्योंकि 1s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे एंटर कराओगे, 1s में, 1s में एंटर कराने के बाद ये किस में एंटर करेगा, 2s में, ठीक है। यह मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, सबसे पहले 1s में एंटर कराओ इलेक्ट्रॉन्स को, फिर 2s में 2p 3s, फिर उसके बाद एंटर करवा दो 3p 4s इसमें एंटर कर गया, इसमें एंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d 4p 5s इसमें एंटर करा, फिर उसके बाद भाई 4d 5p 6s इसमें एंटर करेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f 5d 6p 7s इसमें एंटर करा, और फिर उसके बाद 5f 6d 7p इसमें एंटर करते हैं,
किस से एंटर करता है, देखो यार है ना इस टाइप से इलेक्ट्रॉन से एंटर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट लेके चलो, मान लो सोडियम है, सोडियम का एटमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू 11। हमें क्या करनी है, सोडियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू सबसेल। तो देखो किस टाइप से करोगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दो टाइप से करवा सकते हैं, एक तो सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करना और दूसरा वही सब सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करना। तो सेल का अकॉर्डिंग तो पीछे पढ़ लिया होगा, जैसे मान लो सोडियम की बात कर रहे हो तो सोडियम का एटमिक नंबर कितना हो गया, एटमिक नंबर ऑफ सोडियम 11। अब मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में एंटर करेंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में एंटर करेंगे और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में एंटर करेगा। तो 2 8 1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू सेल। सेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की यहाँ पे करी है। अब बात कर रहे हैं सब सेल, सब सेल के अकॉर्डिंग एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट और है वो देख लो, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल इक्वल टू एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब सेल इक्वल टू 6। एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल इक्वल टू 10 एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सब सेल इक्वल टू 14। ध्यान देना एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 10 और एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिर होते हैं 14। ओके ये कंसेप्ट ध्यान देना और इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। तो देखो भाई हमें एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो अपने पास एलिमेंट कौन सा है, सोडियम एलिमेंट प्रेजेंट था। अब सोडियम एलिमेंट का एटमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इक्वल टू, देखो किस टाइप से करोगे, ये है अकॉर्डिंग टू सबसेल, सबसेल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सबसेल हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे एंटर करवा दो, 1s के अंदर। एक बात तो 1s में तो एंटर करवा रहे हो, पर एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2, p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो इसका ध्यान देना, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, तो यहाँ पर देखो 1s, ये सभी सिंबल में करोगे s p d f है ना, ये सभी सिंबल में आते हैं, 1s लिख लिया। अब s यहाँ पे आ रहे हैं, s सबसेल यूज हो रहे हैं, तो s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे थे 2, तो इलेक्ट्रॉन को हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे उसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, क्यों आए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि s सबसेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील होते हैं 2, तो इस वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 1s में, और कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे
होंगे दो, तो क्या आ गया 1s2, सही है। 1s2 फिल करने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2s में, 2s में चला गया। अब ये भी s सबसे पहले कहां आ गए, ये भी s में आ गए, s सबसे पहले यहां पे प्रेजेंट है, तो s सबसे पहले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो आते हैं, तो यहां पे भी क्या करोगे 2s2, समझ रहे, 1s2 2s2, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, दो यहां पे दो यहां पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चार, चार इलेक्ट्रॉन अपने पास यहां पे फिल हो गए, ठीक है। टोटल कितने थे 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस सोडियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट है, जिसमें से चार इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचे कितने, 7, तो बोले चार हो गए ना फिर, तो देखो 1s2 2s2 फिल हो गया, अच्छा 2s के बाद जो अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे एंटर करेगा, 2p के अंदर, 2s फिल हो गया, 2s फिल होने के बाद अपना जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे जाएगा, 2p में, तो यहां पे कर लो 2p, 2p आ गया। अब p सबसे पहले यहां पे प्रेजेंट है, p सबसे पहले अपने पास प्रेजेंट है, तो p सबसे पहले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, 6 आ सकते हैं, तो यहां पर लगा दो 6, तो 1s2 2s2 2p6, दो इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, चार हो गए, 4 प्लस 6 कितने हो गए, 10, 10 इलेक्ट्रॉन अब तक फिल हो चुके हैं, बचा कितना, 1, क्योंकि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें से 10 फिल हो चुके हैं, बचा 1, तो जो अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएगा देखते हैं, 2p फिल हो गया। अब 2p फिल होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 3s में, तो यहां पर लगा दो 3s, ठीक है। अब s की बात कर रहे हैं, तो s सब चैनल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं, दो आते हैं, पर यहां पे बचा कितना, 1, तो अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे जाएगा, 3s में, समझ आ रहे हैं। सब चैनल में कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं वो हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, इस रूल का नाम क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने यहां पे सेल और सब चैनल को यहां पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7d, ठीक है। तिरछा फिल करना है, तिरछा फिल करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 1s में, 1s में फिल करने के बाद अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, देखो सबसे पहले तो 1s में फिल किया, 1s में फिल करने के बाद 2s में लेके जाना, 2s में फिल करने के बाद 2p में फिल करना, 3s में फिल करना, 3s में फिल करने के बाद 3p, 4s, 4s में फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 3d, 4p, 5s, 5s में फिल करने के बाद 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद हम फिल कर रहे हैं 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक है। फिर उसके बाद फिल करेंगे 5f में, 6d में, 7d में, तो ये किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल करने का कंसेप्ट है, ठीक है, ये रूल बता दिया। अब यहां पे हम सबसेल की बात करते हैं, s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6, d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10, और f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14। इस सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन करनी है। यहां पे हमने चले थे सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, मींस यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या कॉन्फिगरेशन हुई भाई, अकॉर्डिंग टू सबसेल 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ये है सबसेल की कॉन्फिगरेशन। सेल की कॉन्फिगरेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेल सोडियम की क्या कॉन्फिगरेशन होगी, 2 8 1, कर लोगे, तो ये है सोडियम की कॉन्फिगरेशन। फिलहाल हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो चार ब्लॉक है उसकी कॉन्फिगरेशन बाद में करते हैं, ठीक है। मान लो हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, Mg,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, 12। मीन्स यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल, सेल का अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन करनी है तो क्या है भाई, 2 8 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू सब सेल, सब सेल का अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू सब सेल, सब सेल के अकॉर्डिंग हमें मैग्नीशियम की कॉन्फिगरेशन यहाँ पे करनी है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा 1s में, s में कितने 2, तो यहाँ पे लिखो 1s2 अकॉर्डिंग टू सब सेल 1s2 कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन फिल होने ना पावर के फॉर्म में कर रहे हैं, 1s2 में फिल होने के बाद यहाँ पे जाएगा 2s में, तो यहाँ पे लिखो 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर कहाँ पे जाएगा भाई, 2p में, फिर 3s में, तो यहाँ पे लिखो 2p6, क्योंकि p में कितना आते हैं मैक्सिमम 6, तो कितने हो गए 2 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचे कितने 12, मतलब बचे कितने 2, तो भाई 2p फिल हो गया, 2p के बाद कौन सा आएगा 3s, तो यहाँ पे कर दो 3s2। तो ये है भाई मैग्नीशियम एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इसी तरह बात हम बात कर लेते हैं इनकी, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20 अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन क्या होगी भाई, 2 8 8 2, 2 8 8 2, ठीक है। ये सेल के अकॉर्डिंग कैल्शियम की कॉन्फिगरेशन है। नाउ अकॉर्डिंग टू सब सेल, अकॉर्डिंग टू सब सेल, सब सेल के अकॉर्डिंग कैल्शियम की क्या कॉन्फिगरेशन होती है, देखो सबसे पहले कहाँ पे फिल करवाओगे, 1s में, 1s के बाद 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p 3p 4s इस टाइप से। तो सबसे पहले कहाँ पे क्या होगे 1s में, क्या आ गया 1s2 के बाद 2s2 के बाद क्या है भाई, 2s2 के बाद क्या है 2p, 3 में 6, 3 के बाद क्या है भाई 3s, 3s2, 3s2 के बाद भाई 3p, 3p 6, कितना हो गया टोटल 2 4 10, 10 हो गए, 12 18 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बचे कितने 2, तो 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आया 4s, तो यहाँ पे कर दो 4s। तो ये है कैल्शियम की कॉन्फिगरेशन, ओके। तो ये है एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन।